टेलीटॉक लेकर आया है आपके फेवरेट टीवी स्टार्स की लॉकडाउन एक्टिविटीज और टेलीटॉक इस बात से भी आपको करेगा अपडेट कि क्या है टीवी की दुनिया की लेटेस्ट हलचल। तो सबसे पहले बात टीवी स्टार पार समथान की। जी हाँ, पार्थ ने कह दिया है सोशल मीडिया को टाटा बाय बाय। दरअसल पार्थ ने इस बात का खुलासा खुद अपने सोशल हैंडल पर किया है, जहां पार्थ ने लिखा, गोइंग ऑफ सोशल मीडिया फॉर सम टाइम, सी यू सून। वेल, आपको बता दें कि हाल ही में पार्थ ने अपने सभी फैंस और दोस्तों को किया था तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने उनकी हेल्प और उन्हें बेटर और पॉजिटिव पर्सन बनाने में मदद की थी उनके डिप्रेशन के दिनों में। और अब बात हिना खान के स्टाइल वर्कआउट वाले अंदाज की। जी हाँ, हिना ने अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट की है अपने कुछ स्टाइल वर्कआउट वाली पिक्स और लिखा है, एट फर्स्ट दे विल आस्क यू व्हाई यू आर डूइंग इट, लेटर दे विल आस्क यू हाउ यू डिड इट। और अब बात बिग बॉस फेम एक्टर प्रियांक शर्मा की। जी हाँ, प्रियांक ने दिया है अपनी मॉम को स्पेशल बर्थडे सरप्राइज, जिसे देखकर उनकी मॉम का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप भी देखिए। और अब बात टीवी स्टार मद्राक्षी मुंडले की। जी हाँ, मद्राक्षी ने शुरू कर दी है अपनी शो जगत जननी माँ वैष्णो देवी की शूटिंग। मद्राक्षी ने अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट किया है अपनी कुछ वीडियो, जिसमें वो अपने माँ लक्ष्मी अवतार के लिए हो रही है तैयार। आप भी देखिए। और अब बात सीरियल कसौटी जिंदगी के सीजन 2 में अनुराग बसु के भतीजे का किरदार निभाने वाले एक्टर कुणाल ठाकुर की। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो कुणाल ने शो को कर दिया है क्विट, क्योंकि उन्हें लग रहा है शूटिंग करना उनके लिए सेफ नहीं है। दरअसल एक न्यूज पोर्टल को दिए अपने इंटरव्यू में कुणाल ने बताया कि हाल ही में उनकी हुई है सर्जरी और उनकी इम्यून पावर भी अभी स्ट्रांग नहीं है, जिसके चलते उन्होंने शो को छोड़ने का फैसला कर लिया है। और अब बात सीरियल राधा कृष्ण में नए उलटफेर की। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो शो में होने वाली है मामा शकुनी की एंट्री, और ये किरदार कोई और नहीं बल्कि पॉपुलर एक्टर शक्ति कपूर निभाएंगे। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो शक्ति कपूर निभाएंगे छोटे पर्दे पर शकुनी मामा का किरदार, और अपने कुटिल चाल और पासों के दम पर सीरियल राधा कृष्ण में करेंगे महाभारत के युद्ध का आगाज। और अब बात एक्टर शरद केलकर की। जी हाँ, शरद ने अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट किया है अपना एक बॉक्सिंग वाला वीडियो, और इस वीडियो को पोस्ट करते हुए शरद ने लिखा है, काश ये पंचिंग वाला बैग नहीं कोरोना वायरस होता, कूट देता।